आज हम सभी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। ऐसी सिचुएशन में या तो आप एक हारे हुए इंसान की तरह बस सरवाइव कर सकते हैं या फिर एक जिंदा दिल लीडर की तरह उभर करके आ सकते हैं दोस्तों, और लोगों को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में दोस्तों। इस बुक समरी में आप चार ऐसे लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपके लाइफ को देखने के नजरिए को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो समरी को आप लास्ट तक देखिए एंड इसमें जो भी प्रिंसिपल्स आपको बताए गए हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो समरी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं द लीडर हु हैड नो टाइटल बुक की समरी को दोस्तों, जिसके ऑथर हैं रोबिन शर्मा। रोबिन शर्मा एक कनेडियन राइटर हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक लॉयर के तौर पर की थी, लेकिन उन्हें लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था दोस्तों, और इसी जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना लॉयर का कैरियर छोड़ दिया। रोबिन शर्मा आज दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले राइटर्स में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं की लाइफ के कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है ना दोस्तों, जब हमसे कोई बड़ा, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या फिर हमारा बॉस हो, या फिर कोई और, जो हमें काम करने के लिए सौंपता है और हमें समझाता है कि ये काम कैसे करना है, उसके लिए हमें स्ट्रेटजी बताता है, तो शायद कहीं अंदर से फील होता है कि ये काम हम उनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, और इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों, आपके अंदर लीडर बनने का गुण है। इनफैक्ट हर किसी के अंदर लीडरशिप का गुण होता है दोस्तों, बस इस क्वालिटी को अपने अंदर से उभार करके बाहर निकालने की देर होती है। आपको लीडर होने के लिए किसी खास टाइटल या फिर ऑफिस में एक बड़े कैबिन की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इसके लिए आपके अंदर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक लीडर वही होता है दोस्तों जिसने खुद पर विश्वास किया हो और अपने जज्बे से दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी हो जिसे दुनिया कभी भी भुला नहीं पाई हो दोस्तों। इस बुक में आप लीडरशिप के ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको एक अच्छा लीडर बनने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। वो आपको एक कमाल का लीडर बनने में मदद करेंगे, फिर चाहे आपके पास कोई एक स्पेशल टाइटल हो या फिर ना हो। आप ये भी सीखेंगे कि अपने साथियों को कैसे इंस्पायर करें, कैसे उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए तैयार किया जाए, और इन चारों प्रिंसिपल्स को दोस्तों हम आप सभी के साथ कहानियों के रूप में पेश करेंगे, और इनके जो कैरेक्टर हैं वो ऑथर की इमेजिनेशन से आए हैं दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों ब्लैक डेविस की, जो पहले एक सोल्जर थे और अब न्यूयॉर्क में रहते थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और फिर उनकी मुलाकात एक गुरु और चार ऐसे टीचर्स से हुई जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर के बारे में जो आपको एक बेहतरीन लीडर बनने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, जो है लीडरशिप एंड सक्सेस आर योर बर्थ राइट। यानी कि नेतृत्व और सक्सेस हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों। ब्लैक का जन्म एक आम साधारण परिवार में हुआ था। उनके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितना भी हुआ उन्होंने ब्लैक के लिए वो सब कुछ किया। एक ह्यूमन नेचर है दोस्तों जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम अपनी लाइफ के अंदर उनकी अहमियत नहीं समझते। इसी तरह ब्लैक को भी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ जिसने उसकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था दोस्तों। 20 साल की उम्र के आसपास ब्लैक ने कई सारी जॉब्स चेंज की। उनके लिए जॉब बस टाइम बिताने का और रोजमर्रा के खर्चे को उठाने का साधन था। एक दिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा ताकि वो ज्यादा टाइम तक बिजी रह सके और उनके आसपास ज्यादा लोग रह सके। मिलिट्री की ट्रेनिंग के बाद ब्लैक की जिंदगी में डिसिप्लिन आने लगा, मानो उसकी जिंदगी को किसी ने आकार दे दिया हो। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इराक में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। जंग की दर्दनाक यादों ने ब्लैक के जहन में घर कर लिया था दोस्तों, और उन्हें रह रह करके परेशान करने लगी थी। उनके कई सारे दोस्त जंग में बुरी तरह से घायल हो गए थे और कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी थी। ब्लैक को जैसे सदमा सा लग गया था, वो इससे ऊपर ही नहीं पा रहा था दोस्तों, इसलिए उन्हें घर वापस भेज दिया गया। अब वो दोबारा से अपने घर में थे,
जहां बस अकेलापन और मायूसी थी। उनकी लाइफ में ना कोई मकसद था और ना ही कोई मिशन। खाली बैठे वो अक्सर सोचते रहते थे कि काश मैं भी इराक की जंग में मर जाता तो शायद कितना अच्छा होता। गनीमत यह है दोस्तों कि उनके माता पिताजी ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी आदत सिखाई थी, जो थी किताबें पढ़ना। मुश्किल समय से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों सेल्फ लर्निंग। इसीलिए ब्लैक ने एक फेमस बुक स्टोर ब्राइट माइंड बुक्स में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों उनके मैनेजर को उनके काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ के कस्टमर्स ब्लैक को बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन बड़ा ही अजीब आदमी स्टोर में आया। उन्होंने ब्लैक के साथ जिंदगी के कई सारे सबक शेयर किए, जिसने ब्लैक की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों हम सभी जीतने के लिए ही बने हैं, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या चुनते हैं। मुश्किल दौर में या तो आप सिमट करके एक असहाय इंसान की तरह टूट सकते हैं, या फिर आप उससे निकलने के लिए मौके तलाशने में जुट सकते हैं दोस्तों, जो आपको उस तकलीफ से उभरने में और बाद में और भी ज्यादा मजबूत बनने में हेल्प करेगा। दोस्तों इसी के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें ऑथर बताते हैं माय मीटिंग विद लीडरशिप मेंटर। ब्लैक और उनकी टीम ने मंडे को एक मीटिंग बुलाई। दोस्तों उनके मैनेजर ने उन्हें सेल्स में गिरावट की जानकारी दी। उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो जल्दी ही बेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर चुनने वाले हैं और उसे जीतने वाले को तोहफे में एक बैज, कैश प्राइज और एक हफ्ते का वेकेशन दिया जाएगा। हमेशा की तरह ब्लैक जरा भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो काम में कुछ भी अलग या फिर खास नहीं कर रहे थे। वो एक कोने में अकेले खड़े काफी पी रहे थे दोस्तों, तभी अचानक ब्लैक के कंधे पर किसी ने थपथपाया, वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ब्लैक उन्हें देख करके हैरान रह गए। उस आदमी ने पुराने दबे कुचले मैले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके पैरों में चमचमाते हुए नए जूते थे। उनके गले में एक चेन थी जिस पर LWT लिखा हुआ था। उन्होंने अपना नाम टॉमी फ्लिन बताया। टॉमी दूसरी लोकेशन पर उसी बुक स्टोर के एम्प्लॉय थे। दोस्तों लगातार 5 सालों तक उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर मिला था। उन्होंने ये भी बताया कि वो ब्लैक के पिता ऑस्कर के दोस्त थे। ब्लैक ने अपने पिता के बारे में सोचा और उसका मन भर आया। ऑस्कर ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, वो कहते हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ब्लैक, लेकिन तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। ये सुनकर के ब्लैक के दिल में टॉमी के लिए थोड़ी सी जगह बन गई, लेकिन उन्हें अब भी उन पर थोड़ा सा शक था। टॉमी ने कहा कि वो ब्लैक को लीडरशिप फिलोसफी के बारे में बताने के लिए आए हैं, जो सालों पहले 4 टीचर्स ने उन्हें सिखाई थी। उन लेसन्स ने उनके अंदर के नेचुरल पावर को जगा दिया था। टॉमी की चैन पर जो LWT लिखा हुआ था, उसने उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया था। अब वो एक ऐसा जीवन जी रहे थे जिनका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। ये सुनने के बाद ब्लैक ने ताना मारते हुए पूछा, अगर ये सच है तो आप मेरी तरह से एक स्टोर के मामूली क्लर्क क्यों हैं? टॉम ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं ऐसी जॉब क्यों छोड़ूंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्र एक नंबर से ज़्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैनेजमेंट ने मुझे कई बार वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे किसी भी तरह का टाइटल पसंद नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन या फिर टाइटल नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान अपने अपने पोजीशन का CEO होना चाहिए। और सरप्राइज की बात तो ये थी दोस्तों कि ब्लैक को ये फिलोसफी काफ़ी दिलचस्प लगी। लीडरशिप पोजीशन या फिर स्टेटस के बारे में नहीं है, बल्कि ये इसके बारे में है दोस्तों कि आप अपनी जॉब में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लैक ने टॉमी के विजिटिंग कार्ड पर जॉब टाइटल में ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ देखा, जिससे उन्हें थोड़ी सी हैरानी तो हुई। उनका रिएक्शन देख करके टॉमी ने समझाया कि एक लीडर होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। दोस्तों टॉमी ने यह भी कहा कि जितना कम इनाम पाने की चाहत रखोगे तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। हमेशा से सेल्फलेस हो करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो और तुम्हें वो जरूर मिलेगा दोस्तों जिसके तुम हकदार हैं। पैसा इश्यू सीरियस एक्सेप्शनल वर्क का बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ब्लैक को इस जानने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी कि LWT का मतलब क्या है। इसके बारे में बताने से पहले टॉमी ने ब्लैक से एक वादा करने को कहा
कि वो इस कॉन्सेप्ट को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। इस बात के लिए ब्लैक तुरंत राजी हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है द सैड कॉस्ट ऑफ मीडियोक्रिटी एंड स्पेक्टिकुलर रिवॉर्ड्स ऑफ लीडरशिप मास्टरी। ब्लैक उन सभी टीचर्स से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सुबह 5 बजे टॉमी से मिलने के लिए कब्रिस्तान गया। टॉमी ने पहली मुलाकात के लिए कब्रिस्तान को चुना था क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ मौत ही एकमात्र ऐसा सच है जो एक इंसान को बदल देता है। सिर्फ अपने अंत के बारे में सोच करके आप अपनों की देखभाल करने लगते हैं और अपनी लाइफ की कदर करके उसे बेहतर तरीके से जीने लगते हैं और कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं जो आपके जाने के बाद दुनिया को आपकी याद दिलाए। ब्लैक समय पर टॉमी से मिलने के लिए पहुंच गए थे। वो उनकी गाड़ी देख करके हक्का बक्का रह गए दोस्तों, क्योंकि वो एक चमचमाती नई काले रंग की मर्सिडीज बेंज थी। उन्होंने टॉमी को कुछ दूर खड़ा हुआ देखा। ब्लैक ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उस ओर चल दिया। जब ब्लैक वहां पर पहुंचे तो वे हैरान थे। वहां टॉमी दो कब्रों के सामने खड़ा हुआ था जिन्हें अभी अभी खोदा गया था। टॉमी ने समय पर आने के लिए ब्लैक की तारीफ की। फिर उन्होंने कहा, लीडर्स ऐसी चीज करते हैं जो हारे हुए इंसान कभी करने के बारे में तैयार नहीं होते। हारे हुए लोग ये हमेशा शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, जबकि लीडर्स हर दिन 1 घंटा पहले उठ करके कुछ न कुछ कमाल कर जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब आप मर चुके होंगे तब आपके पास सोने के लिए टाइम ही टाइम होगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ करने के लिए और एक गहरा असर डालने के लिए कभी कभी ये टाइम ही कम पड़ जाता है दोस्तों। अगर आप लगातार सही चीज़ें करते रहेंगे तो सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आप खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने आसपास के लोगों को कभी भी दिशा नहीं दिखा पाएंगे, आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते दोस्तों। ब्लैक इस बात से बिल्कुल सहमत थे। टॉमी ने उन्हें अपनी चैन दी और बताया कि LWT का मतलब था लीड विदाउट अ टाइटल। ब्लैक इस बारे में जान करके खुश हुए, लेकिन वो अभी भी उन दो कब्रों के बारे में सोच रहे थे। टॉमी ने उन्हें एक कब्र में कूद करके वहां रखे टैबलेट को उठाने के लिए कहा। ब्लैक ने टैबलेट पर लिखे हुए कैपिटल लेटर्स को पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था 10 human regrets, यानी कि वो 10 चीजें जिसके लिए इंसान के मन में हमेशा अफसोस, पछतावा या फिर दुख होता है। टॉमी ने समझाया कि जब आप अपनी मौत का इंतजार अपने बेड पर कर रहे होंगे तब आपको इन 10 बातों का अफसोस होगा, और वो 10 बातें कुछ इस तरह से हैं दोस्तों। पहला, जीवन का वो खूबसूरत गाना जो आपकी जिंदगी को गाना था आपके अंदर ही खामोश रह गया। दूसरा, महान चीजों को करने के लिए कभी भी अपनी नेचुरल पावर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। तीसरा, कभी भी एक एग्जाम्पल सेट करके किसी को इंस्पायर नहीं किया। चौथा, कभी कोई रिस्क नहीं लिया इसलिए कभी कोई इनाम भी नहीं मिला। पांचवा, कभी ऑर्डिनरी और एवरेज सोच को नहीं छोड़ा और इस तरह से कई सुनहरे मौकों को हासिल करने से चूक गए। छठा, कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना नहीं किया और ना ही उसे जीत में बदलने की कला को सीखा। सातवां, कभी भी दूसरों के काम में उनकी मदद नहीं की। आठवां, जिस तरह आप चाहते थे उस तरह से अपने जीवन को नहीं जिया। नौवां, कभी भी अपने बेस्ट होने का एहसास नहीं किया। दसवां, कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं की या फिर दुनिया पर कोई छाप नहीं छोड़ी। ब्लैक इसे पढ़ करके चौंक गए। वो पछतावे भरे मन के साथ नहीं मरना चाहते थे। तब टॉमी ने उन्हें दूसरी कब्र में जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर ब्लैक देखते ही रह गए, क्योंकि वहां पर एक असली सोने का टैबलेट पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था 10 human victories, यानी इंसान की वो 10 जीत जो उन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ का एहसास कराती हैं। पहला, आपने एक शानदार जॉब के लिए अपने टैलेंट और स्किल को अप्लाई किया। दूसरा, आपने जिंदगी में जो भी कुछ काम किया उस काम में एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड बनाए रखा। तीसरा, आपने अपनी बहादुरी और डर दोनों का खुल करके सामना किया। चौथा, आपने लोगों को पीछे धकेलने की बजाय उनकी मदद की और उन्हें आगे बढ़ाया। पांचवा, आपने जिंदगी की ठोकर खाने के बाद भी हमेशा उठने का जज्बा बनाए रखा और कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। छठा, आपने कई लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की। सातवां, आप एक पॉजिटिव इंसान थे जिसने हमेशा दूसरों को एनकरेज किया। आठवां, आप एक इनोवेटर थे
जिसने पुराने रास्तों को अपनाने के बजाय खुद अपना नया रास्ता बनाया। नोवा, आपने कुछ ऐसे रिश्ते कमाए जो लोग आपको प्यार करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। दसवां, आप एक रोल मॉडल हैं जिसने बिना किसी टाइटल के एक लीडर की भूमिका निभाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप आखिरी सांस ले रहे होंगे तब आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। अगर आप एक ऑर्डिनरी और एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं तो आप पहली वाली कब्र में जाएंगे, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का एम रखते हैं तब वो आपको एक गोल्डन टैबलेट वाली कब्र की ओर ले जाएगा। मौत की भावना आपके माइंडसेट और नज़रिए को बदल देती है और आपके अंदर के लीडर को जगा देती है। दोस्तों, LWT यानी कि लीड विदाउट ए टाइटल सिर्फ तभी आसान होगा जब आप सही काम करने के लिए फोकस रहेंगे और बिना डगमगाए डट करके उस काम को करने में लगे रहेंगे, जैसा कि महान लीडर्स करते हैं। बहाने ढूंढने और दूसरों को दोष देने की बजाय चैलेंज का सामना करना शुरू कीजिए। दूसरों की मदद करें, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें और अपना काम बिना किसी शर्त के करते रहिए। ये आप अपने इमोशंस, एनर्जी और पैशन को एक साथ मिला करके कर सकते हैं, तब जा करके असली बदलाव होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी फर्स्ट लीडरशिप कन्वर्सेशन। यू नीड नो टाइटल टू बी ए लीडर, यानी कि आपको एक लीडर बनने के लिए किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है। ब्लैक और टोमी मैनहट्टन के लिए निकल पड़े। दोस्तों, टोमी ब्लैक को एक महंगे और आलिशान होटल में ले गए और उन्हें पहली टीचर एना से मिलवाया। एना अर्जेंटीना की थी, जिनमें जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब उनके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया था, तभी से एना अपने हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। हालांकि एना सिर्फ एक हाउसकीपर थी, लेकिन अपने व्यवहार और एटीट्यूड से वो किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं थी। इसीलिए एना उस होटल की हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉयज में से एक थी। एना ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया। वेलकम सर, ब्लैक ने एना से पूछा। जब सोसाइटी में हाउसकीपर का सम्मान नहीं किया जाता तो हाउसकीपिंग की जॉब एक्साइटिंग या फिर रोमांचक कैसे हो सकती है? एना ने जवाब दिया, मुझे महसूस होता है कि इस होटल को अच्छा चलाने के लिए मेरा काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर पल अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ। आपको जो पोजीशन या फिर टाइटल दी जाती है उसके साथ एक पावर जुड़ी होती है, लेकिन वो टाइटल छिल जाने के बाद या फिर चले जाने के बाद वो पावर भी उस टाइटल के साथ वापस चली जाती है। इसीलिए अगर आप बिना किसी टाइटल के लीडर बनते हैं तो उससे जुड़ी पावर हमेशा आपके साथ रहती है। ब्लैक पूरी तरह से इस बात को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वो खुद को आर्मी में अपने रैंक की पावर के साथ जोड़ने लगे थे और जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटे तो उन्होंने खुद को कमजोर और पावरलेस महसूस किया था। एना ने उन्हें एक नैपकिन दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था 4 नेचुरल पावर्स, यानी कि हम सभी के पास 4 नेचुरल पावर्स हैं, जो हैं, पहली, हर दिन काम पर जाएं और कमाल का परफॉर्म करें, ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक एग्जांपल सेट करें, दूसरों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करें, ऐसा करने के लिए आपको टाइटल की जरूरत नहीं है। और तीसरा, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव लाएं, इसके लिए आपको किसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है। चौथा, सभी के साथ सम्मान और काइंडनेस से पेश आएं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऊंचा करें, ऐसा करने के लिए आपको किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है। फिर एना ब्लैक को एक बड़े शानदार बाथरूम की ओर ले गई और उन्हें शीशे पर लाल लिपस्टिक से लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए कहा। वहां इमेज लिखा हुआ था। टोमी जोर से खांसने लगा। एना ने उन्हें पानी के लिए पूछा। टोमी के बेहतर महसूस करने के बाद एना ने लीड विदाउट ए टाइटल यानी कि बिना किसी टाइटल के लीड करने की फिलोसफी के पहले प्रिंसिपल के बारे में समझाया। आपको एक लीडर बनने के लिए किसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रिंसिपल के 5 रूल्स थे जिन्हें अप्लाई करके इन्हें सीखा जा सकता था। पहला, इनोवेशन। हर दिन आपको अपने काम करने में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। बड़े सपने देखें, लेकिन छोटे बदलावों से शुरुआत करें। दूसरा, मास्टरी। फॉर्म को फॉलो करें, जिसका मतलब होता है बी द फर्स्ट, द मोस्ट, द ओनली एंड द बेस्ट।
आप जो भी करते हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बनने का एम रखिए। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी, आप जैसे हैं वैसे ही सच्चे बने रहें, दिखावे से खुद को दूर, जिस बात पर आप सच में विश्वास करते हैं वो कहें, अपने टैलेंट और वैल्यूज के प्रति सच्चे रहकर आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है गट्स, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे चीजें गलत भी होंगे और आपको अपनी लाइफ के अंदर फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि लोग, आपके आसपास के लोग भी आपको रोकने की और आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक नए सिरे से शुरुआत करके उठने की और खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। ई फॉर एथिक्स, ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, अगर आप सही काम कर रहे हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। इसके साथ एना ने कहा, ब्लैक, तुम एक महान लीडर बनोगे, सिर्फ इस फिलोसफी को हमेशा याद रखना, अपने अंदर की नेचुरल पावर को समझें, ये आपको चैलेंजेस का सामना करने में मदद करेंगी, अपने काम की जिम्मेवारी खुद लेना सीखे और एक लीडर के रूप में आगे बढ़े, अपने डेली काम में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें, जब आप अपने दिए हुए टाइटल की बाउंड्रीज को तोड़ करके सीख जाएंगे तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलने वाला है बल्कि ये आपके आसपास के लोगों की भी जिंदगी को बदलने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिस सेकंड लीडरशिप कन्वर्सेशन के बारे में, जो है टर्बुलेंट टाइम्स बिल्ड ग्रेट लीडर्स, यानी कि सबसे मुश्किल समय ही सबसे महान लीडर्स को बनाता है। टोमी ने न्यूयॉर्क सिटी के ट्राइबेका इलाके में अपनी कार को पार्क किया और ब्लैक को दूसरे टीचर टाई बोर्ड से मिलाने के लिए एक स्की शॉप में ले गई। एक जमाने में टाई 5 बार वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियन रह चुके थे। एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने दुनिया भर के कई स्की रिसोर्ट्स में स्कीइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया था। बाद में टाई ने अपनी खुद की स्की दुकान खोल ली और ट्राइबेका में बस गए। हालांकि इस काम से उन्हें बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उन्हें प्यार था। टाई ने ब्लैक और टोमी को बड़े प्यार से गले लगाया, उनका स्वागत किया, उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल शेयर किया जो था डिफिकल्ट टाइम बिल्ड ग्रेट लीडर्स, यानी कि सबसे मुश्किल समय ही सबसे महान लीडर्स को बनाता है। टाई ने समझाया कि आज बिजनेस की दुनिया बिल्कुल बदल रही है, अगर आप आंखें बंद करके कोशिश किए बगैर ही किसी समस्या के हल होने का इंतजार करते रहोगे तो जल्दी ही आप मार्केट से गायब हो जाओगे, लेकिन अगर आपने डर का सामना किया और अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया तो आप मुश्किल वक्त का भी आसानी से सामना कर सकते हैं दोस्तों। मुश्किल वक्त हमें अपने पोटेंशियल को बेहतर तरीके से समझा देता है, इसके साथ ही मुश्किल समय में ही हमें वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है दोस्तों। अपने आसपास हो रहे बदलाव को अपनाना सीखें और खुद भी बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि लोग आप पर हंसें, लेकिन हिम्मत के साथ इस फॉर्मूले का यूज कीजिए दोस्तों, जो है KMF, यानी कि कीप मूविंग फॉरवर्ड। टोमी फिर से बीमार महसूस कर रहे थे, उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो फिर से बेहतर महसूस करने लगे। इस दूसरी प्रिंसिपल का खास सबक था दोस्तों स्पार्क। टाई ने स्पार्क के 5 रूल्स को समझाया। स्पार्क का मतलब था दोस्तों S, स्पीक विद कैंडोर, यानी कि दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कम्युनिकेट कीजिए दोस्तों। कभी भी अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ बातें नहीं छुपाएं, खुल करके अपनी बातों को उनके सामने बोलें और जो भी बोले, जब भी बोले, बिल्कुल सच बोले। हो सकता है कि पहले पहल उनको आपकी ये बातें पसंद ना आए, लेकिन बाद में वो आपकी इसके लिए तारीफ जरूर करेंगे। और दूसरा है प्रियोरिटाइज, यानी कि अपनी सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को फाइनल आउट कीजिए दोस्तों, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने टैलेंट से उन सभी एक्टिविटीज को पूरा कीजिए जो आपको हायर रिटर्न देते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी दोस्तों। एक मुश्किल सिचुएशन में ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि वो सिचुएशन कितनी ज्यादा डरावनी है, आपको उसका सामना करने के लिए खुद को बहादुर बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्स वर्सेज रिएक्ट, यानी कि कोई भी प्रेशर की सिचुएशन हो, लोग नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो डर कर
चुपचाप खड़े रहने की बजाय शांति से और समझदारी के साथ उस सिचुएशन का हल निकालने में माहिर हो। वो बेवजह रिएक्ट ना करें, बल्कि सही तरीके से रिस्पोंड करें और चैलेंजिंग सिचुएशन में लोगों को लीड करें और उस सिचुएशन को हल करके अपने आप को, अपनी टीम को उससे बाहर लेकर के आए। उन नेक्स्ट है दोस्तों कुडोज। जो कोई अच्छा काम करे दोस्तों, उसकी तारीफ कीजिए। अपने साथियों की तारीफ करने के लिए आपको अपने मैनेजर की जरूरत नहीं है, आप भी उनकी पीठ को थपथपा कर बोल सकते हैं, दोस्तों वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे इस बात के लिए तुम पर गर्व है। एक लीडर मुश्किल समय में भी एक तारे की तरह चमकता रहता है, वो सिचुएशन से डर कर भागता नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, लोगों को इंस्पायर करता है। तेजी से हो रहे बदलाव आपको डरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया है तो आप जरूर जीतेंगे। आपको जितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको उतनी ही ज़्यादा खुद की ताकत के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो कभी भी किसी भी मुश्किल सिचुएशन से घबराए नहीं, बल्कि उसको शांत मन से सोचने के बाद उससे बाहर निकलने के बारे में प्लानिंग बनाइए दोस्तों, जिससे आप अपनी पोटेंशियल को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द थर्ड लीडरशिप कन्वर्सेशन के बारे में, जो है द डीपर योर रिलेशनशिप द स्ट्रोंगर योर लीडरशिप। यानी कि जितने ज़्यादा गहरे आपके संबंध होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी लीडरशिप होगी दोस्तों। इसके बाद टोमी और ब्लैक न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचे। वो दोनों लाइब्रेरी की छत पर पहुंच गए। वो एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ब्लैक को पता ही नहीं था। वहां से आसमान गंजा जरा देखने लायक था दोस्तों। चार ओर सुंदर फूल खिले हुए थे, उनकी भीनी भीनी सुगंध हवा में घुली हुई थी दोस्तों। टोमी ने ब्लैक को जैक्सन चैन से मिलाया। कुछ साल पहले जैक्सन संघई में एक सीईओ थे। एक बार वो न्यूयॉर्क घूमने आए थे और उन्हें उस शहर से प्यार हो गया। तभी से उन्होंने वहां रहने और गार्डनिंग के अपने शौक को पूरा करने का फैसला किया। यही कारण था कि जैक्सन पब्लिक लाइब्रेरी में एक गार्डनर के रूम में काम कर रहे थे। जैक्सन ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ब्लैक से कहा कि जो प्रिंसिपल वो सिखाने वाले हैं, वो आज की इस दौड़ती हुई दुनिया में जैसे गुम सा हो गया है। ये लोगों के साथ जुड़ने और उनकी लाइफ में वैल्यू जोड़ने के बारे में था दोस्तों। एंड थर्ड प्रिंसिपल है दोस्तों, द डीपर योर रिलेशनशिप आर द स्ट्रोंगर योर लीडरशिप विल बी। यानी कि जितने गहरे आपके रिश्ते होंगे, उतनी ही मजबूत आपको लीडरशिप होगी दोस्तों। आज लोग रिश्तों के सही मायने भूल गए हैं, सब बस एक दूसरे का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान मायने रखता है, इसलिए सभी को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। अपने साथियों, अपने कस्टमर्स, अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ एकदम मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको पहले कदम उठाना चाहिए। लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब वो बॉन्ड बन जाता है तो आप अपनेपन की भावना महसूस करने लगे। इस प्रिंसिपल का शब्द है दोस्तों ह्यूमन, यानी कि एच फॉर हेल्पफुलनेस। लोगों को उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद कीजिए, और आपकी कंपनी आपको जितना पैसा देती है उससे ज़्यादा कंपनी को लौटा करके आप कंपनी में अपना योगदान दीजिए। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझने के लिए अपने सुनने की स्किल को डेवलप करें, अपने कान और दिल खोल करके लोगों को। एंड नेक्स्ट है हमारा एम मीन्स मिंगल। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ करके लोगों के साथ जुड़िए, उनका नेटवर्क बनाइए, हर लेवल पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ए फॉर एम्यूज, अपने काम को एंजॉय कीजिए, अपने काम का माहौल ऐसा बनाइए जहां लोगों को काम करना अच्छा लगता हो, वो जहां सिर्फ काम का प्रेशर ना हो। ये आपके साथियों के एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और नेक्स्ट है एंड फॉर नर्चर, हर किसी में एक यूनिक क्वालिटी छुपी होती है। लोगों की बेस्ट क्वालिटीज को ढूंढ कर उसे टीम की सक्सेस के लिए डेवलप करें। एक लीडर का अपने लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा पॉजिटिव रिश्ता होना चाहिए। याद रखें, जितना ज़्यादा आप उनके गोल्स हासिल करने में मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए मदद करने के लिए तैयार होंगे। आजकल लोग सिर्फ उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपको हमेशा अच्छे और सपोर्टिव बने रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों के अंदर के लीडर को जगाएंगे, उतना ज़्यादा वो आपको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ लीडरशिप कन्वर्सेशन के बारे में, जो है टू बी ए ग्रेट लीडर
फर्स्ट बिकम ए ग्रेट पर्सन, यानी कि अगर आप एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। इसके बाद टोमी और ब्लैक चौथे टीचर से मिलने के लिए चले गए। टोमी ने कहा, ब्लैक अब तुम आखिरी टीचर से मिलने वाले हो, इसके बाद तुम अपने अंदर के लीडर की पावर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओगे और हमारा एक दूसरे के साथ वक्त भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक को टोमी की बात सुनकर के बड़ा अटपटा लगा, उन्हें समझ में नहीं आया कि टोमी ने ऐसा क्यों कहा। टोमी ने ब्लैक को जेट ब्रिसली नाम के एक प्रोफेशनल मैसेज थेरेपिस्ट से मिलवाया। जेट शहर के जाने माने थेरेपिस्ट में से एक थी, वो वही करते थे जो सही होता था, यही उनकी लाइफ का मंत्र था। जेट ने दोनों को गले लगाकर उनका स्वागत किया। एंड फोर्थ प्रिंसिपल था, टू बी ग्रेट लीडर बिकम ए ग्रेट पर्सन, यानी कि एक महान लीडर बनने से पहले आपको एक महान इंसान बनने की आवश्यकता है। अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने और कुछ तैयारी करने की जरूरत होती है दोस्तों। अपने माइंड और बॉडी पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को निकाल करके और पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज लोगों ने अपनी खुशियों को दुनिया की सुख सुविधाओं देने वाली चीज़ों के साथ जोड़ दिया है, जैसे कोई भी लग्जरी कार, आलीशान घर, महंगे गैजेट्स। लेकिन क्या ये सब आपको सच में खुशी देते हैं? ये सब खरीदने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन इन सभी चीज़ों की लत लग जाना या फिर इनका जुनून सर पर सवार हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आप असल में हैं वो बनने पर ध्यान दीजिए, ना कि जो आपके पास है उसके जैसा बनने की कोशिश करें। एक महान इंसान बनने के लिए, खुद को आज से बेहतर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस प्रिंसिपल का शब्द है दोस्तों साइन, एस मीन्स सी क्लियरली, यानी कि लोगों का एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका नज़रिया उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इसलिए हर सिचुएशन को साफ साफ देखने की कोशिश कीजिए एच फॉर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। सही टाइम पर सही क्वांटिटी में अच्छी चीज़ें खाएं, एक्सरसाइज करने के लिए भी अपना टाइम निकालें दोस्तों। नेक्स्ट है आई, आई मीन्स इंस्पिरेशन, वो काम कीजिए दोस्तों जो आपको इंस्पायर करता है। ये आपके माइंड, बॉडी और इमोशंस को दोबारा चार्ज कर एनर्जी भरने जैसा है दोस्तों। नेक्स्ट है एन, नेगलेक्ट नोट, भी काम के चक्कर में अपनों को नज़रअंदाज ना कीजिए दोस्तों। परिवार हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है दोस्तों, हमारी फैमिली हमें इमोशनली सपोर्ट देती है। और नेक्स्ट है ई, एलिवेट योर लाइफस्टाइल, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कंफर्टेबली रहने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन हमेशा अपने काम में बेस्ट परफॉर्म करने का गोल कीजिए। आपके आसपास एक ऐसा पर्पज होना चाहिए जो आपकी प्राइवेट इच्छाओं से भी बड़ा हो। टोमी फिर से खांसने लगे, उनके मुंह से खून आ रहा था और वो बुरी तरह से कांप रहे थे। वो धीरे धीरे बस इतना कह पाए, अब मेरा टाइम आ गया है, उनकी सांसें बंद हो गई थी। ब्लैक अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं जब आप अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी तरह से खाएं, हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव सोच बनाए रखें और बीती बातों को भुला करके आगे की ओर बढ़ने का नज़रिया अपनाएं। कंफर्टेबल तरीके से जीने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन उन चीज़ों से आपको कभी भी मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हम हर रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही रोज़ अपने मन की सफाई कीजिए दोस्तों। ये आपको चीज़ों को देखने का एक क्लियर और पॉजिटिव नज़रिया देगा। पहले खुद अपना रास्ता बनाइए दोस्तों और आगे बढ़िए, तभी आप दूसरों को लीड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें टोमी लास्ट वर्ड टू ब्लैक के बारे में बताया गया। टोमी के गुजर जाने की खबर से ब्लैक को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। उन्होंने ब्लैक को कभी भी नहीं बताया कि वो कई सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। ब्लैक के लिए इस बात को स्वीकार कर पाना बेहद मुश्किल था कि टोमी अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने तो सोचा था कि वो आने वाले कई सालों तक साथ मिलकर के काम करेंगे। टोमी के अंतिम संस्कार में चार टीचर, एना, जैक्सन, जेट और टाइम मौजूद थे। सब लोगों ने श्रद्धांजलि देने के बाद एना ने ब्लैक को एक पैकेज दिया जो टोमी उनके लिए छोड़ गए थे। ब्लैक ने उसे खोला, उसमें एक लेटर के साथ चाबियों का एक सेट था। टोमी ने लेटर में लिखा था,
अपनी बीमारी के बारे में कुछ न बताने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत से तुम निराश हो जाओ। इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि तुम LWT यानी कि लीड विदाउट अ टाइटल प्रिंसिपल से तुम्हें इंस्पिरेशन मिले। तुम फोकस करना सीखो और डट कर इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लागू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व था। ब्लैक अपना वादा निभाओ और बिना किसी टाइटल के एक लीडर बनो। वो चाबियां टॉम की मर्सिडीज कार की थी। ब्लैक को कार देकर के विश्वास नहीं हो रहा था। टॉम ने उनके एक सपने को सच कर दिया था। ब्लैक का मन टॉमी के लिए प्यार और सम्मान से भर गया। वो टॉमी के इस तोहफे के लिए शुक्रगुजार थे। दोस्तों, टॉमी और उसके चार टीचर्स द्वारा सिखाए गए सबक ने ब्लैक की जिंदगी और मन को खुशहाली और शांति से भर दिया था। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आया जब वो ब्राइट बुक स्टोर का सबसे कम उम्र वाला वाइस प्रेसिडेंट बन गया। दोस्तों, इसी के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, इस बुक में आपने बिना किसी टाइटल के लीडर बनने के बारे में सीखा। अगर टाइटल के साथ लीडर बनोगे तो टाइटल के चले जाने के बाद वो पावर भी आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए बिना किसी टाइटल के लीडर बने और आपने LWT फिलोसफी के चार प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जिनमें से पहला था एक लीडर बनने के लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, और दूसरा मुश्किल समय ही महान लीडर्स को बनाता है, और तीसरा जितने ज्यादा गहरे रिश्ते आपके होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, और चौथा एक महान लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छे और महान इंसान बनने की आवश्यकता है। हर रोज इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए वो चार जादुई शब्द याद रखिए। दोस्तों, इमेज, स्पार्क, ह्यूमन एंड साइन। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, इसलिए अब समय आ गया है कि आप बिना टाइटल के लीडर बन करके इस बुक समरी को दूसरों के साथ भी शेयर करें। लीडरशिप का मतलब है जब कोई गलती करे तो उसे टोकना और सही रास्ता दिखाना। लीडरशिप का मतलब है मुश्किल दौर में डट कर खड़े रहना और उसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ देना। मुश्किल समय से पार पाने का सीक्रेट है बस आगे बढ़ते रहना। अच्छे होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। बीते समय में फंस कर कभी भी आप एक सुनहरा फ्यूचर नहीं बना सकते। इसलिए बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ें, लोगों को इंस्पायर करें और पूरी जोश के साथ अपना काम करते रहें। फिर चाहे जो भी हो, आपका प्रोफेशन या आपका जॉब टाइटल हो, अपने अंदर के लीडर को जगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ को भरपूर जी पाएंगे। एक टाइटल आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता, वो सिर्फ आपको अथॉरिटी देता है। अपना रास्ता बना करके पहले खुद का लीडर बने, तभी आप दूसरों को लीडर बन पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, आप एक लीडर हैं। चाहे आप लाइफ में जो भी करते हो, फिर चाहे वो किसी भी टाइटल के साथ हो या बिना किसी टाइटल के, आप फिर भी एक लीडर हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की बुक समरी आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज लेकर के आएगी। अगर आप ऐसी बुक्स की समरीज को सुन करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस की बेल आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांट रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।